हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। लाते हैं आपको लाव क्रीम बनाएंगे भी और लगाएंगे भी। जी बिल्कुल। तो इसका एक चम्मच था लेंटिल, कोई भी आप ले लीजिए, ठीक है। ये एक्सियो फार्मा की मिरेकल क्रीम है, ये अवेलेबल है कराची में है और नंबर चल रहे होंगे, आप उस नंबर पे कॉल करके मंगा सकते हैं। इसको एक चम्मच डाल दीजिए इसके अंदर, मिक्स कर दीजिए, क्योंकि ये ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है। इसके अंदर लेकिन स्टीरॉइड बिल्कुल नहीं है, अच्छी बात यह है। और ओ से है इसमें कोकोनट ऑयल, तीनों चीजें आपने देखा है बहुत ही जबरदस्त और अफादियत वाली हैं। इसको लेकिन क्रीम को पहले कान के पीछे टेस्ट कर लीजिए, कोई रिएक्शन नहीं आता वैसे यूजुअली, लेकिन इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी, ठीक है ना, हमेशा जी चेक कर लें। और फिर ये आप लगा सकते हैं खासतौर पे हाथों पे, गर्दन पे। इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है? इससे फायदा वो टैन होता है ना, हमारी स्किन में अनइवन टोन आती है, गर्दन पर आती है, जो लोग समंदर पे जाते हैं पिकनिक पे जी, तो वो स्किन खराब या मरी भी चले जाए ना, तो एक दिन में आपका रंग जो है वो फर्क हो जाता है। तो ये कितनी देर लगाते हैं? ये आप लगा के आधा घंटा छोड़ दीजिए और फिर इसको प्लेन वाटर से वॉश कीजिए। अच्छा, इनके चेहरे पर हम वो लगाएंगे, आपकी एक पे हाथों पे लगाएंगे लाव क्रीम, लाव क्रीम इनको मिलेगी, स्किन वाली कौन सी जी, और तीन की बाल बाल दाल दाल क्रीम और दाल क्रीम जो है वो फेस पे अप्लाई करेंगे। सो आइए जी एप्लीकेशन शुरू कीजिए और मैं यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। ब्रेक के बाद दोबारा हम आपको वेलकम कहेंगे दी दाल शो में। दाल शो में हमने इन पे अप्लाई की है लाओ टैन क्रीम है, इनके हाथों पे लगाई गई है जी, उनके पे दाल का फेस ग्लो क्रीम लगाई है इनके फेस के लिए, जो से ग्लो आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। रहरुआ क्या पूछना चाह रही थी? हाँ, मेरे दो सवाल थे, वो सवाल तो ये थे डॉक्टर मेराइल से कि डबल चिन हो जाती है हम लोगों की, हम लोग बॉडी वाइज पतले रहे लेकिन हमारी जो चिन होती है वो यूं हो जाती है, अक्सर बल आ जाते हैं, उसके लिए बताएं कि क्या। अच्छा, तुमने अभी याद दिलाया तो उसके लिए हम बना लेंगे कि दालों से एक जबरदस्त सा मास्क बन सकता है कि जो डबल चिन को फौरी तौर पर फॉर्म कर दे। अच्छा, और आप उसको लगाना शुरू कर दें और उसके साथ एक एक्सरसाइज कर लें या बैंड जैसे अभी हम लगा के दिखाएंगे, तो वो 3 से 4 दिन में बिल्कुल आपकी जॉ लाइन जो ना बिल्कुल विजिबल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये तो अभी अभी करें, अभी क्योंकि फरा का भी जो मोटापा होता है वो स्किन पे आता है, चेहरे पे आता। अच्छा, और मेरा पता क्या, मैं तो कल बैठी पढ़ रही थी यूं करके, तो मेरा बेटा मुझे कह रहा था ये आप यूं करके पढ़ रही हैं लेट के, तो इसकी वजह से डबल चिन आती है हमारी, कुछ जो है पोस्चर्स की वजह से ज्यादा फर्क पड़ता है, हम झुक के। एज ऑब्वियसली इज फैक्टर, हाँ, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो उसको काफी हद तक दूर किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए डिफरेंट चीजें होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं मुझे पड़ोसियों से मदद मांगनी पड़ेगी। क्या चाहिए? आप जब से मांगी जा रही हैं अपना कुछ लेकर आ, पड़ोसियों के बहुत हकूक होते हैं तो वो पूरे करना जरूरी है। क्या चाहिए? अच्छा, नहीं मैं पिसवाऊंगी। अच्छा, इसमें हम लेंगे माश की दाल, ठीक है, माश की दाल मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है, और ये किडनी, रेड किडनी जो बीन्स है ये बॉयल है, और इसके साथ थोड़ी सी हम ऐड करेंगे लाल मसूर की दाल। अच्छा, लाल मसूर की दाल का फायदा ये है कि वो कलर भी साफ करती है। तीनों चीज़ों को मिला के आपने पेस्ट बनाना है और पेस्ट बना के इसको आपने लगाना है। अच्छा, चेहरे पे भी लगा लें? चेहरे पे भी लगा सकते हैं, ये चीज दबेगी। अभी हम लगा के बताएंगे, खास अंदाज से इसका एक बैंड आता है, वैसे तो वी लिफ्ट के नाम से इसके बैंड्स मिलते हैं। अच्छा। नहीं तो जो आपके घर में फेशियल बैंड्स हैं वो आप लगा लें, और लगाने का तरीका वो मैं अभी बता देती हूँ। उसको पहले हम कितनी देर लगाएंगे? तकरीबन रोजाना 40 मिनट्स, 40 मिनट, मतलब 2 दिन में आपको नजर आता है कि आपकी डबल चिन जो है गायब हो रही है। 40 मिनट लगा के छोड़ दें? हाँ, 40 मिनट्स आप काम करते रहे, सारे अपना रूटीन वर्क करते रहे, उसके बाद वॉश कर ले, तो ये चीज, और जिनके ये बहुत भारी होता है ये भी बैठ जाता है। अच्छा, वी शेप बन जाती है फेस की। ठीक है, और इसको दालों के अंदर खास बात है कि जाहिर सी बात है पेस्ट हम लगा रहे हैं तो स्किन को टाइट भी करता है, श्रिंक हो जाती है स्किन, पोर्स मिनिमाइज हो रहे हैं, और स्किन जो लूज है वो टाइट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो जो आप कह रही थी वी लिफ्ट को मिल जाता है बैंडेज, है ये वो क्या है? एक्चुअली जैसे हम ये फेशियल बैंड है ना इसी तरह से, लेकिन वो आपका सिलिकॉन का होता है। अच्छा, सिलिकॉन का होता है, जाहिर सी बात है अगर हम कपड़े का बांधे तो वो गंदा हो जाएगा, बार बार वॉश करना है, सिलिकॉन है तो उसको वॉश नहीं करना, आपने खींचा और यहाँ पे बांध लिया। ठीक है, तो वो आपकी ये साइड की जो है आपका वी शेप आ जाता है और ये खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि वो जाके वी शेप बैंड कहाँ से हमें किसी फार्मेसी से मिल जाएगा?
फार्मेसी से मिल जाता है, नहीं तो ऑनलाइन भी आपको आराम से मिल जाता है, बहुत ही सस्ता है। और किस नाम से मिलता है? वी लिफ्ट। वी लिफ्ट मतलब वी लिफ्ट के ये बैंड्स जो है मंगवा लें, ये वाले लगाने के बाद आप वो भी चढ़ाएं ताकि आपको रिजल्ट्स मैक्सिमम। और इसमें सिर्फ तीन चीजें हैं ना, तीन चीजें हैं, माश की दाल, मसूर की दाल और रेड किडनी बीन्स। ठीक है, इसको जो है इसको लगा के मैं दिखा देती हूँ। किसी के है डबल चिन? हाँ, किसके नहीं है डबल चिन? सबकी है, सब बोलना किसी ने नहीं है कि है। हाँ, लेकिन किसके लगाऊँ? किसी के? आप आ जाओ बेटे, the one in dotted, हाँ चलो गुड, इनके लिए ताली, इन्होंने वॉलंटियर किया। डबल चिन है, शुक्र है यार, इनके लिए दोबारा तालियां। कब ये पहली खाती है कि वो इसको मान रही हैं, उन्होंने कहा कि हाँ डबल चिन है, वरना कहती नहीं ये तो है ही नहीं। एक हमें बैठने के लिए कोई चीज मिल जाएगी ताकि हम उन्हें बिठा सकें और अप्लाई कर सकें। अच्छा, मैं इसको अभी लगा के दिखा देती हूँ, मैं हाथों से लगाती हूँ ताकि इजी। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ है, हाँ गर्दन ऊपर करो, इसको हम ऐसे लगाएंगे ताकि कपड़ों पे ना गिरे और ये पेस्ट लग जाता है पूरा। उमर मुझे ये पकड़ाओ गाउन एक। तुम मोबाइल ऐसे यूज किया था? हाँ मोबाइल ऐसे यूज किया। डॉक्टर उमरा ये भी बताएं, बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे मेरे बेटे ने कल टोका। अच्छा, अब क्या च्युइंगम चबाने से और गम से भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है आपके, ये ना जो है ना मसल्स के ऊपर एक्सरसाइज होती है, जैसे हम कहते हैं आ ई ओ की एक्सरसाइज करें, इसलिए कि ये जब स्ट्रेच हो रहे हैं आपके खींचते हैं तो ये फ्लेक्सिबल जब हो जाते हैं तो जल्दी लूज नहीं होते। अगर आप ये वाली एक्सरसाइज, जो हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं ना रोज, अगर ये हम बंद कर देंगे ये वाली, हाँ ये इतनी जल्दी आपकी ये चीज़ कुल फाइन हो जाती है, इतनी अच्छी हो जाती है, फिर नेक पतली हो जाएगी और ये हाँ, जो गायब हो जाएगी। और अच्छा, ये जिम में जाती है, जो हमारी योगा का पोस्चर है, ए ओ एक्स, ए ओ एक्स, अगर नहीं भी करेंगे हम लोग यूँ करवाते हैं। हाँ, एक योगा का पोस्चर है। हाँ बिल्कुल, तो ये चीज़ फौरी तौर पर इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको फील होता है कि हाँ ये जॉ लाइन आपकी बड़ी ज़बरदस्त ही बन गई है। ठीक है, अच्छा इसको हम ऐसे लगाएंगे पूरा पेस्ट, और इसको लगाने के बाद पूरे फेस पे भी इसी तरह से लगा सकते हैं। अगर स्किन पे जैसे धब्बे आ रहे हैं, इनके ना हल्के से ब्लेमिशेस हैं, तो ये माश और मूंग का जो वो मसूर का जो पेस्ट है, ये इनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें चाहे तो थोड़ा सा दही मिला लें। ठीक है, यानी जिनके हल्के 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 ब्लेमिशेस जो होते हैं, हल्के हल्के स्पॉट्स होते हैं, फ्रैकल्स से हैं और धब्बे हैं, किसी भी हल्के हल्के स्पॉट्स है ना, लेकिन फ्रैकल्स हैं, तो ये आप इस तरह से लगा के। ठीक है, और जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा तो उसे आपने मसाज करना है और उसको वॉश कर लेना है। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल स्किन इतनी साफ हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाएगी। जिसमें आपने डाली है मसूर की दाल, माश की दाल और लाल लोबिया। लाल लोबिया, अच्छा यहाँ पे अगर एक बैंड होता है, मैं सिर्फ बैंड बांध के दिखाना चाहूंगी कि कैसे बांध। ठीक है, एक हेडबैंड दे दे दो। So, अगर घर में कोई भी बैंड, वैसे आप जाकर भी बैंड जरूर लें, ठीक है, लेकिन जैसे ये बैंड है, बैंड वैसे भी चढ़ा के रखें तो मैं हालांकि थोड़ा सा इसको लिफ्ट ऐसे बांधते, यहाँ पे बांधते। ठीक है, ठीक है, जितना टाइट बांधेगी ये चीज दबेगी और ये तो बिल्कुल आपने टाइट ऐसे देखे। ठीक है, लिफ्ट हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, और सिर्फ आपको सिर्फ ये करना है तो आप इसको इस तरह से बांध लें। ठीक है, ठीक है, और इनके चेहरे पर क्या इफेक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 15 से 20 मिनट के बाद? ये स्किन बहुत फ्रेश हो जाएगी, हम थोड़ा सा और लगा देते हैं, टाइटनिंग इफेक्ट, टाइटनिंग इफेक्ट रहेगा और मतलब माशाल्लाह रंग साफ है, इनको इससे जरूरत तो नहीं, लेकिन इनके ये हाँ धब्बे तो टाइम लगेगा एक दफा में, लेकिन ये लाइट हो जाएंगे और स्किन थोड़ी सी बेहतर इनको लगेगी, बिल्कुल ठीक स्मूथ हो जाएगी। जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा सॉइल हो जाती है, बिल्कुल पफी होती है, ऐसा लगता है कि आज जैसे मैं खूब सोई हूं तो आज मेरा चेहरा जो है ना वो पफी है, पफी हाँ, हाँ, मुझे क्यों होता है? अच्छा बहुत सारे रीज़न है, अभी मैं रूह को ही बताई थी, फैसल भाई भी यकीनन बताएंगे, लेकिन एक बहुत ही आसान सी जो चीज़ है, हम अपनी बॉडी को तो आराम देते हैं लेकिन जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो तो हर वक्त काम करते हैं, उनको भी तो आराम चाहिए, वो तो मरने के बाद मिलेगा, तो कोई ऐसी चीज़ जो उनको सुकून पहुँचा दे तो वो है शहद का पानी। ठीक है, रात को सोते वक्त जो है एक कप पानी में, सादे पानी में शहद मिलाइए और वो पी लीजिए, तो कभी भी आपका फेस अगर किडनी का मसला नहीं है, जैसे किडनी की वजह से, ब्लैडर की वजह से सॉइलिंग आती है, ठीक है, अगर वो नहीं है, किसी एक्सेस स्लीप की वजह से भी तो आ जाती है ना, किसी किसी को, सबको नहीं आती, किसी किसी को, तभी कहते हैं हमारे बचपन में कहा करते ज्यादा मसो मोटे हो जाओगे, तो आप जब पानी पियेंगे शहद का तो आपके फेस पे
بلا وجہ سوئلنگ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اگر آئے گی تو کسی وجہ سے آئے گی, لائک خدا نہ خاصہ کڈنی کا مسئلہ ہے, بلیڈر کا مسئلہ ہے, لیکن جیسے کسی کو بھی آ جاتی ہے اروہ نے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. باسط بھائی اس کا ایک نام لیا کرتا ہے نا, ماؤل اصل, ماؤل اصل شہد کا, ماؤل اصل, آپ اسی ماؤل اصل کی بات کر رہے ہیں, ماؤل اصل کی, بالکل پانی میں شہد ملا کے آپ اور اس کو جو ہے چاہیں تو پکا لیں, لیکن خالی پانی میں ملا کے, بیری کا شہد بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ جو رات کا ٹائم, رات کا ٹائم, اس لیے کہ سونے سے پہلے. ٹھیک ہے, اچھا, کیونکہ اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ صبح شوٹ یا شو ہوتی ہے, میرا منہ اتنا سوائل ہوا ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے جو ہم نے جو اپنا آیورویدک میں ہم پڑھتے ہیں اس میں یہی کہ آپ اپنی باڈی کو تو آرام دے رہے ہیں, آپ کا دل 24 گھنٹے کام کر رہا ہے, باقی آپ کے آرگنس کام کر رہے ہیں, ان کی ٹوننگ کے لیے, ان کی ریلیکسیشن کے لیے کیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ شہد کا پانی جو ہے انہیں سکون دے. بالکل صحیح, اور ماؤل اصل جو ہے یہ سنت نبی بالکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. جی اچھا جی, تو یہاں پہ بھی تو کچھ بن رہا تھا, میں تو اپلائی کر رہی ہوں, جب تک تھوڑا سا پیک کی بات ہو رہی ہے تو فیس پیک ایک بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کس چیز سے بن رہا ہے فیس پیک؟ یہ مسور کی دال سے, یہ منہ اور مسور کی دال, یہ منہ اور مسور کی دال. ٹھیک ہے, اس میں یہ جو انسان آپ کی اسکن کو گلو بھی دے گا اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا کلر بھی بہتر کرے گا. ٹھیک ہے, سو مسور کی دال میں ہم نے مسور کی دال یہ لیا ہے, تھوڑا سا ٹماٹر کا پیسٹ. ٹھیک ہے, یہ بنی مسور کی دال ہے نا؟ جی ہاں, یہ لال رنگ کی مسور کی دال. اس کو میں نے جو انسان دودھ میں بھگو دیا تھا رات کو, دودھ میں, اچھا دودھ میں بھگو کے صبح پھر اس کا ایسا پیسٹ آپ نے بنا لیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا یہ پیسٹ لے لیا ہے میں نے اس کا ٹماٹر کا, اس میں ایک چمچ تقریباً یہ ڈال لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک ٹماٹر کو اچھی طرح سے میش کر لیں, آدھے ٹماٹر کو میش کر لیں, اروہا کا جو نسخہ ہے. ہاں ہاں, اس میں یہ ڈال دیے مسور کی دال, اس میں تھوڑی سی ڈالیں گے, بالکل تھوڑی سی, اتنی سی ملیٹھی پاؤڈر. اچھا ملیٹھی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور تھوڑی سی اس میں ڈالیں گے ملتانی مٹی, ملتانی مٹی, واہ, آدھی چمچی, ایک چمچی, اور اس میں یہ تھوڑا سا ڈالیں گے مٹر کا رس. یہ کیسے بنا ہے؟ مٹر کا پانی, مٹر کو اس میں بلینڈر میں بلینڈ کر لیا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا پانی ڈال کے یا ارک گلاب ڈال کے اس کو نچوڑ لیا تو یہ پانی نکل, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈال لیا اس میں. ٹھیک ہے, ذرا سا مٹر, مٹر کا پانی کیا کرے گا؟ مٹر کا پانی, مٹر جو ہے وہ اسکن کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے. اچھا, کوئی چیز نہیں چھوڑی جو کہ کوئی مسئلہ اسکن کا رہ جائے. اچھا ہاں, بہت زبردست چیز. اچھا, یہ جو مینی پیک بن رہا ہے جی, اس میں سب کچھ ہے اسکن کے, اگر داغ دھبے ہیں وہ بھی صاف ہوں گے, داغ دھبے صاف ہو جائیں گے, اسکن ٹائٹ ہو جائے گی, پلس یہ کہ ایک اچھا سا گلو آ جائے گا. اور اس میں ایک چیز جو اور ڈال رہا ہوں میں, یہ تھوڑی سی اس میں بالکل تھوڑی سی سونٹھ, سونٹھ ہاں, یا پھر آپ تھوڑا سا ادرک پیس کے اس کا ذرا سا پانی ڈال سکتے. ٹھیک ہے, پانچ چیزیں ہیں نا اس میں, یہ تو 12 مسالے کی چاٹ لگ رہی ہے. سونٹ جو ہے نا, سونٹ آپ کا بلڈ سرکولیشن کو کھینچ کے لے کے آتا ہے, تو ایک اچھا سا پنکش سا گلو آ جاتا ہے. آپ نے اگر جانا ہے کسی بھی ایسے ایونٹ پہ جہاں آپ میک اپ نہیں کر سکتے, تو آپ ایک فیس پیک گھر میں لگا کر جلدی سے تو آپ فریش لگیں گے. اور مٹر کے, تو مٹر کا جیسے فیصل بھائی نے مٹر کا جو پانی ڈالا ہے, تو یہ جو پورز ہے اس کو فوری طور پہ یہ ٹائٹ کرتا ہے, اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے پورز کو مینیمائز کرنے کے لیے. ریئلی؟ بالکل. تو اس کا مطلب ہے مٹر کا یہ پانی بنا کے بھی اگر ایک بوٹل میں ڈال کے فریج میں رکھ لیں اور تھوڑا تھوڑا اسپرے کر لیں یا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں, سیزن نہیں ہے, لیکن یہ بہترین چیز ہے پورز کو مینیمائز کرنے کے لیے. ویری گڈ جی, سو آپ لوگ اس کو نوٹ کر کے رکھے گا, اوپن پورز کی وجہ سے ہی بلیک ہیڈز ہوتے ہیں, اسی کی وجہ سے وائٹ ہیڈز بن رہے ہوتے ہیں, اسی کی وجہ سے ہماری اسکن جو ہے نا وہ بہت ہمیں لگ رہی ہوتی ہے خراب لگ رہی ہوتی ہے. کیا کیا تھا اس میں؟ مونگ کی دال, اس میں مونگ کی دال, مسور کی دال, اروہ کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں. کیا چیز ہے بتائیے آپ؟ مونگ مسور کی دال نہیں, خالی مسور کی دال دودھ میں بھیگی ہوئی اور اس کا پیسٹ بنا لیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ٹماٹر کا رس, تھوڑا سا مٹر کا رس, سونٹ, ملیٹھی اور ملتانی مٹی. اچھا ایک چیز اور بتاؤں آپ کو کہ جب بھی اس طرح کا کوئی پیک بنائیں تو اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ ساری چیزیں جو ان سے یکجان ہو جائیں اور اپنے اپنے آئلز یا جو انگریڈینٹس ہیں اس کو ریلیز کر دیں. ہم نے ڈاکٹر کاشف کا بھی جو فیس پیک اپلائی کیا ہے تو تھوڑا ٹائم دینے کے بعد آپ کا بھی ہم چھوڑیں گے اور پھر ہم اپلائی. بالکل, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں پہ نیلم کچھ بتانا چاہ رہی ہوں. ہاں, میں بتانا چاہ رہی ہوں میری فیوریٹ ریسیپی, دال کی روٹی. دال کی روٹی, اس میں ہم نے کیا لینا ہے, مونگ اور مسور کی دال جو میں نے بھگوئی تھی, ایک گھنٹہ بھگونے کے بعد اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل ایسے جیسے آملیٹ ہوتا ہے, یہ جیسے بیسن بناتے ہیں پکوڑوں کے لیے. بالکل, ٹھیک ہے, اس میں ہم یا پھر جیسے دہی بلوں کا بھی, دہی بلے بھی اسی سے بنتے ہیں نا.
इसको हम फ्राई कर लें तो दही बल्ले तकरीबन बन जाएंगे। बिल्कुल ये ऐसे ही है, इसको बेशक दही में डाल के आप छोटी छोटी इसकी फुल्कियाँ बना के दही में डाल तो ज्यादा बेहतर है ना। नहीं ये क्या ये बेहतर है क्योंकि ये मिमिक करता है कि जैसे आपने रोटी खाई है। अच्छा ठीक तो वे वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही, इसमें मैं डालूंगी। लेकिन देखिए माश की दाल के बल्ले बनाते हैं हम, मूंग की दाल के बल्ले बनाते हैं हम, तो वो कितने फायदेमंद चीज है कि आप बल्ले बनाकर तो दही में डाल लेंगे। मूंग की दाल की मंगोचियां भी बनती है ना। हां बहुत मजे की। थोड़ी सी मिर्चें और मंगोचियों का वैसे क्या मैंने नमक डाला है अभी। हाँ अभी हम आते हैं। सिर्फ नमक डाला, टमाटर है, सब्ज मिर्च है और धनिया। ठीक है ये थोड़ा सा था, मैंने थोड़ा सा डाला है। और आपने बताया था नीलम के खास तौर पे जिन लोगों को शुगर है। जी ये इसमें ये फुल ऑफ फाइबर है, ये किडनीज के लिए अच्छा है, ये इनफर्टिलिटी के लिए अच्छा है और वैसे भी ये एसिडिक है। एसिडिक है तो ये आपकी यूटीआई को क्योर करेगा, आपका जो उस यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरियाज हैं ये उसको फ्लश आउट करेगा। बिल्कुल सही। तो इसको कि क्या रोटी बनानी है। हाँ, इसकी रोटी बनानी है बिल्कुल जैसे पैनकेक्स, दाल के पैनकेक्स। तो गरम तवा होना चाहिए जब डालोगी। जी ठीक, गरम होना चाहिए ताकि ये चिपके नहीं। ठीक है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे बनाएं। थोड़ा सा ऑयल। यूटीआई की बात की है नीलम ने, यूटीआई बड़ी स्टबन इन्फेक्शन है, खवातीन को बड़ी कॉमन होती है, बाज़ औक़ात रिकरेंट बार बार हो रही होती है। आपने मेडिसिन ली और फिर हो गया, कोई इसका हल नहीं है कि जिससे नेचुरली ट्रीट हो और खत्म हो जाए। और गर्मियों में तो खासकर इसका मसला रहता है। इसका बहुत ही आसान सा हल है मैं आपको बताऊँ, यूटीआई के लिए भी और किडनी के इन्फेक्शन के लिए भी और जो बारीक बारीक जर्रा जैसे कहते हैं ना कि जर्रे जर्रे आ जाते हैं, बारीक स्टोन्स जो होते हैं उनके लिए भी आपने पानी लेना है। तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी ले लें। यह है कुल्थी की दाल होती है, इस तरह की होती है मसूर की दाल की तरह से। ठीक है और 3 लीटर पानी में आपने 100 ग्राम्स ये डालनी है। ठीक है दाल कुल्थी डाल दी आपने और इसमें ये भुट्टे के बाल, ठीक है ये आपने डाल दिए हैं। ठीक है और थोड़े से जो है आप इसमें डालेंगे खरबूजे के बीज ये तीनों चीज देना, स्पून देना। ठीक है पड़ोसी आलमिन पड़ोसी होता है बहुत हक होता है। ठीक है अच्छा इसको जो है आपने अच्छी तरह से मिक्स करके इसको पकने रख दिया, पानी जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, जैसे 3 से 4 लीटर है तो वो 2.5 लीटर रह जाएगा। ठीक है इस पानी को जो है आपने पेशेंट को पिलाना है। अगर यूटीआई का पेशेंट है तो उसने तो रोजाना रूटीन में जो है इसका पानी हल्का सा पका के पीते रहना है। ठीक है नहीं और किडनी के जो स्टोन्स हैं उनके लिए हर महीने 5 दफा ये पानी पीना है। ठीक है तो बारीक बारीक जितने पत्थर होते हैं वो सब निकल जाते हैं। ठीक है अगर बड़ा स्टोन है तो वो जाहिर सी बात है उसकी सर्जरी जरूरी है, लेजर जरूरी है, लिथोट्रिप्सी करवानी पड़ेगी। इसमें जो यूटीआई का मसला है वो फौरी तौर पे सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल ठीक। जिनके बहुत यूरिन में इन्फेक्शन रहता है, जलन रहती है, तो वो अगर ये पानी पीना शुरू करते हैं और कुछ भी नहीं है तो उसे भुट्टे के बाल जो है वो पानी में डाल के पका के पीना शुरू करते हैं। हाँ। और वो भी नहीं है तो खरबूजे का जो छिलका है उसको पका के पीना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही, इसी के साथ खरबूजे का छिलका भी डाल। अगर खाली को एक चीज डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन यूटीआई के लिए तो बहुत आसान सी चीजें हैं कि अगर आपने खरबूजे का छिलका मिल गया है आपको, खरबूजा आपने खा लिया है तो वो डाला पानी में पकाया वो पानी पीना शुरू कर दिया। ठीक या भुट्टे के बाल डन, यहाँ पे रोटी तैयार। आपने उसको डाल के खिलाया। ये इसका एक ड्रॉबैक है कि तैयार होने में इसको टाइम लगता है क्योंकि हल्की आंच पे पकाना होता है। अच्छा ठीक है तो आपने इसको फैला दिया। हाँ मैंने इसको ढक दिया। बिल्कुल 2-3 मिनट के बाद इसको पलटेंगे, फौरन नहीं पलटना क्योंकि ये टूट जाती है। बिल्कुल सही ठीक है। सो जो हम दाल के भल्ले बनाते हैं बार बार उस तरफ आ रही उसकी जगह रोटी बनाई है नीलम ने। ये रोटी है क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैंने रोटी खाई है, मैं डाइट पे नहीं हूँ, लेकिन ये आप ये बनाए आप, मैं और अरोहा चक के इसे कमेंट करेंगे हैं अरोहा। हाँ। क्योंकि हमें इस तरह की चीजें जरा इंस्पायर भी करती हैं। सो एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद दोबारा आपको वेलकम कहेंगे हम दी दाल शो में। खुशामदीद दाल शो में। हमने जो अप्लाई किया था उसका रिजल्ट, उमर राहील ने ये अप्लाई किया था दाल का मास्क, इन पे अप्लाई हुआ था हाथों पे क्या फील हो रहा? लाओ टैन क्रीम थी और कैसा लग रहा है आपको? कितने फील हो रहे हैं? सॉफ्ट फील हो रहे हैं। माइक देना भाई। अच्छा आप देखिए नकल्स भी हल्के हल्के लाइट होना शुरू हुए और आपको बाकायदगी से लगाएंगे तो और अच्छा लगेगा। दोनों पे अप्लाई किया था ना? दोनों पे अप्लाई। ठीक है तो लेकिन क्या है आपका? किरण क्या बताओ अरोहा को कैसा लग रहा है? अच्छा अरोहा को बताओ ना, तू है मेरी किरण वो। अच्छा अच्छा लग रहा है, हाथ सॉफ्ट नहीं है, ज़ाहिर पहली एप्लीकेशन है। आपको अपने चेहरे पे क्या डिफरेंस फील हुआ है?
लग रहा है थोड़ा मतलब टाइट फील हो रहा है महसूस हो रहा है, एक अप्लाई एक चमक शाइन उनके चेहरे पर है ना वो।